नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर अयोध्या से। सबसे पहले मासूम से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी मोईर खान की बेकरी पर बुलडोजर चलने के बाद अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की तैयारी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चल रहे बैंक को भी खाली करने का नोटिस दिया गया, जबकि बिल्डिंग में मौजूद दुकानों को खाली करा लिया गया है। भदरजा मामले में लगातार प्रशासन की कार्रवाई चालू है। कल अवैध रूप से निर्मित बेकरी को डिमोलाइज किया गया था, तो आज ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है वो मुख्य आरोपी है। इसका पिछला हिस्सा तालाब की जमीन पर बताया जा रहा है। अब जो इसमें दुकानें संचालित हैं, वो दुकानदारों में दहशत है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगभग खाली कर दी हैं। अगर बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग करीब करीब खाली हो गई है। हालांकि इसमें एक पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है, जिसको प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई है, और ये बैंक खाली होने के बाद इस पर भी डिमोलाइजेशन का कार्य की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी अवैध रूप से तालाब की ज़मीन पर बना है। फिलहाल भदरसा कांड में मुख्य आरोपी के मकान की भी पैमाइश राजस्व विभाग करेगा, और उसके रिपोर्ट पर के आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। पीड़ित बच्ची को न्याय देने के लिए अब लोग भी लामबद्ध हैं, समाजसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल भी अब से कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेगा, और वो सबसे पहले घटनास्थल यानी कि इस गांव में आएगा, जहां पर पीड़ित बिटिया के घर जाएगा, उसके बाद बच्चे से मुलाकात करेगा और फिर पत्रकार वार्ता को संबोधित भी करेगा। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गुप्ता। अयोध्या गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर गई है, क्योंकि जिस आरोपी को बचाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है, अब उस मांग पर बीजेपी के साथ ही बीएसपी ने भी अखिलेश यादव को घेर लिया है और सवाल आरोपी को बचाने पर उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी सपा नेता मोईर खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप और सपा नेता की धमकी, बुलडोजर की धमक से इंसाफ की ओर है। योगी के आदेश पर एक्शन हो रहा है और मोईद के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एक तरफ नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी और सपा नेता के खिलाफ एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ आरोपी मोईद के खिलाफ हो रहे एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता। आप पूरा विश्वास करिए, पूर्ण विश्वास करिए, सपा बसपा नहीं है। जो दोषी आदमी योगी जी के शासन में जो भी दोषी पाया जाता है, न उसको कोई बचा सकता है, न कोई उसको किसी प्रकार का उसके साथ सहयोग हो सकता है। वो सभी राज्य के कोई भी कानून के साथ छेड़छाड़ी करता है, कानून से खिलवाड़ करता है, आम जनता को तकलीफ देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कानून अपना काम करता है। मोईद खान का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिलने लगा तो समाजवादी पार्टी जाग गई, और पिछले चार दिन से मोईद खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। अब अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो डीएनए टेस्ट के बहाने मोईद खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोईद खान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोईद खान की टीम जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए, ये क्यों किया जा रहा है? मायावती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने सपा से सवाल किए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए, साथ ही कहा यूपी सरकार की तरफ से अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा
ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इससे पहले जिस अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोपी से कनेक्शन का आरोप लगा, उन्होंने भी इस घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए हुए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को न फंसाया जाए। मेरा विनम्रता पूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया ना जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। डीएनए जांच की मांग पर खूब सियासत हो रही है तो आरोपी मोहित को बचाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है, यानी अयोध्या में अधर्म की यह घटना राजनीति का अड्डा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लगातार हो रही बारिश के कारण ललितपुर में माता टीला बांध के 20 गेट खोलकर 150,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजघाट बांध से 1,00,000 क्यूसेक, उटारी बांध से 1,500 क्यूसेक, सहजाद बांध से 9,000 क्यूसेक और भौरट बांध से 650 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया है। इधर सोनभद्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के करीबराव गांव में धोखाधड़ी कर आधार कार्ड से रुपए निकालने की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि घोरावल कोतवाली क्षेत्र के करीबराव गांव निवासी शिव नारायण विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसी गांव के लवकिश यादव और मनोज यादव आधार कार्ड से रुपए निकालने का काम करते हैं। वो खाते से पैसा निकालने के लिए 10 जुलाई को लवकुश के पास गया था और 10,000 रुपए निकालने की बात कही। आरोप है कि लवकुश ने मशीन पर अंगूठा लगवाया और सर्वर डाउन होने की बात कहते हुए बगल में रखी मोमबत्ती पर अंगूठा निशान ले लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर अपने वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। ये प्रकरण थाना घोरावल से संबंधित है। एक गांव है कर्री बराव, शिव नारायण विश्वकर्मा द्वारा ये सूचना दिया कि उसने गांव के ही जो संचालक होते हैं आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले, वहाँ से पैसे निकाले थे। उसमें उसके 10,000 रुपये और एक बार 5,000 रुपये दिखाए गए, निकल गए और उसे प्राप्त नहीं हुए। इस सूचना पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत गया, इस मामले की जांच की गई तो गांव के ही 2 लोग इसमें प्रकाश में आए। पूरा प्रकरण पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया जिसमें ये लोग जो भी व्यक्ति ग्राहक आता था एक मोम पिघला कर रखते थे और उससे वहाँ पर अंगूठा लगाते थे ये कहते हुए कि अंगूठे को साफ कर लो। हरदोई में पति और पत्नी के बीच सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दोनों के बीच की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कोतवाली शहर इलाके के नुमाइश चौराहे पर यह मामला है। अचानक ही पति पत्नी आपस में झगड़ने लगे, बीच बचाव करने आए लोगों को भी दंपति ने फटकार दिया। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई एसडीएम के आदेश पर की गई थी। एक मामला चल रहा था धारा 134 के तहत, तो उसको मैं चेक करने के लिए मौके पर आया था तो यहाँ जानकारी मिली कि जो मौका है उसके पीछे की तरफ लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ये प्लॉटिंग किसी पराग अग्रवाल द्वारा की गई है और इसका लेआउट भी पास नहीं कराया गया। मैंने अपने ऑफिस से जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पे लोगों को भ्रमित करके 15 फीट के रास्ते में प्लॉट काट दिए गए हैं जिसका लेआउट भी पास नहीं है, तो इंडिविजुअल का नक्शा भी पास नहीं हो सकेगा। तो आम जनता का भ्रम दूर हो उनको हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं कि जहाँ लेआउट अप्रूव हो वहीं पर अपना प्लॉट खरीदें, लेकिन ये लोग भ्रमित करके जनता का पैसा लूटते हैं।
और अगली खबर गाजीपुर से, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कासिमाबाद में अवैध तरीके से बनाई गई 24 से ज्यादा दुकान पर बुलडोजर चलाया और ध्वस्त कर दिया। सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। उधर प्रतापगढ़ में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, 3 मकान को ध्वस्त किया गया, सरकारी जमीन खाली कराई गई है। नवाबगंज थाना के अस्थाना गांव में प्रशासन ने एक्शन लिया है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था, जिसे हटा दिया गया। बड़े बड़े पहाड़ों को काटने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए।